भारत ने कश्मीर के एक अलगाववादी ताकत पर ऐसा हंटर चलाया कि चीखें पाकिस्तान की निकल गई। केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर यूएपीए ठोक दिया और प्रतिबंध लगा दिया। संगठन के नापाक मंसूबों से पता चलता है कि वो भारत के खिलाफ लगातार जहरीली राजनीति करने में व्यस्त था। इस संगठन का इरादा था कि ये भारत में आतंक का राज कायम करे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधि बढ़ा रहा था। अलगाववादी गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता सामने आई है। मसरत आलम भट्ट अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद भट्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष बना। फिलहाल वो जेल में बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी कि मसरत आलम गुट का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, उसका पाकिस्तान में विलय कराना, इस्लामी शासन स्थापित करना है। ये देश विरोधी गतिविधि है और इसके लिए यूएपीए लगाया गया। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई तो छाती पीटने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान सामने आया। पाकिस्तान कहता है कि यह प्रतिबंध बिल्कुल गलत है, उसकी नजर में आतंक को बढ़ावा देना सही है, तभी तो वो मसरत आलम गुट का समर्थक बना फिर रहा है। या एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रॉक्सी मसरत आलम भट्ट पर यूएपीए का हंटर चला तो पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा फेल होता हुआ नजर आया और उसकी चीखें निकल पड़ी। उसे इस बात का भी दुख है कि यह अलगाववादी जहरीला नेता जेल में क्यों बंद है। पाकिस्तान ने रोते हुए बताया है कि मसरत आलम का यह गुट पांचवा कश्मीरी पार्टी है जिसे यूएपीए के तहत अब तक बैन किया गया है। जाहिर तौर पर भारत विरोधी गतिविधि करने वालों के खिलाफ इसी तरह से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अपना एजेंडा फेल होते हुए देख पाकिस्तान इसके लिए मानवाधिकार का रोना रोने के लिए सामने आया है। पाकिस्तान का कहना है कि इन राजनीतिक दलों पर बैन और इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकार का उल्लंघन है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उसका दावा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन यह हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ भी होता है वो दुनिया का सबसे बुरा जगह बन चुका है, जहां पाकिस्तान की सेना आम आवाम पर बहुत बुरा अत्याचार करती है, जबकि आम आवाम भारत के प्रति बड़ी उम्मीदों से देख रही है, क्योंकि वो देख रही है कि जम्मू कश्मीर कितना खुशहाल होता जा रहा है, कैसे धीरे धीरे करके आतंक का सफाया हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने हर प्यादे को घिरता देख छाती पीटने के लिए सामने आ रहा है और इस तरह का बयान उसके विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।